स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। और एक बार आपके उपस्थिति में हम लोगों की इकट्ठा किया है तेरी महिमा करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए। प्रभु जी, आपने जो बनाया है, हर चीज़ को बनाया प्रभु अपनी महिमा के लिए, हमको भी बनाया प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, हमको बनाया मैं पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए प्रभु जी आपने नियुक्त किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी हमारा अंदर पवित्र आत्मा कार्य करें, हमारे अंदर प्रभु जी आपका स्वरूप को प्रभु जी बनाने के लिए हम अपना आपको समर्पण करते हैं। हर एक पाप अपराधों को क्षमा करके प्रभु पवित्र करके तेरे हुजूरी में ग्रहण योग्य हमेशा रहने के लिए हमारे को सहायता कीजिए। आज का गाना, गीत, वचन, आराधना, स्तुति सभी में पवित्र आत्मा के अगुवाई आशीष रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन। सॉन्ग नंबर 705। पवित्र पवित्र है तू, सेनाओं का प्रभु, नहीं समाता है तू स्वर्गों के स्वर्ग में भी। पवित्र पवित्र है तू, सेनाओं का प्रभु, नहीं समाता है तू स्वर्गों के स्वर्ग में भी। पवित्र पवित्र है सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगान यो, पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगान यो। न्याय और धर्म तेरा मूल सिंहासन का, अद्वैत अधिपति तू राजाओं का राजा। न्याय धर्म तेरा मूल सिंहासन का, अद्वैत अधिपति तू राजाओं का राजा। पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगानियो, पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगानियो। तेरी अमरता अदृश्य परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहता तू ही सदा। तेरी अमरता अदृश्य परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहता तू ही सदा। पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगानी, पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगानियो। मेहनत योग्य सामर्थ्य दान और ज्ञान, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के लिए। मेहनत योग्य सामर्थ्य दान और ज्ञान, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के लिए।
पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु पवित्र पवित्र युगानियुग पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु पवित्र पवित्र युगानियुग करने वाला जीवन से बढ़कर हमें चलाने वाला प्रभु हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं तूने किया है अनोखा प्यार कैसे मैं वर्णन करूं प्रेम की आत्मा तूने उंडेला मेरे हृदय में तूने किया है अनोखा प्यार कैसे मैं वर्णन करूं प्रेम की आत्मा तूने उंडेला मेरे हृदय में तेरे प्रेम से भरना है तेरे प्रेम में बढ़ना है तेरे प्रेम चल है तेरा प्रेम मुझसे बहना है जीवन दिया तूने मेरे खाते क्या प्यार अपरंपार मिल जाए चाहे सारा संसार इस प्रेम की तुलना नहीं जीवन दिया तूने मेरे काके क्या प्यार अपरंपार मिल जाए चाहे सारा संसार इस प्रेम की तुलना नहीं तेरे प्रेम से बढ़ना है तेरे प्रेम में बढ़ना है तेरे प्रेम में चलना है तेरा प्रेम मुझसे बहना है आसमां से ऊंचा समुंदर से गहरा प्रेम तूने मुझसे किया हाथों में तेरी करता समर्पण आत्मा शरीर और प्राण आसमां से ऊंचा समुंदर से गहरा प्रेम तूने मुझसे किया हाथों में तेरे करता समर्पण आत्मा शरीर और प्राण तेरे प्रेम से भरना है तेरे प्रेम में बढ़ना है तेरे प्रेम में चलना है तेरा प्रेम मुझसे बहना है हालेलुया प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं हालेलुया हालेलुया बरा 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 तेरे पास आता यीशु तेरे पास तेरे पास आता तेरे पास हर पल
तुम्हारी माँ गाती रहे हर पल तेरी अरसा तेरी स्तुति करती रहे हर दिन तेरी हर बात तेरी माई माँ गाती रहे ईश्वर நம்மை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் எங்கெங்கும் நடத்திடுவார் அவர் வாக்குகள் மாறாததே நிச்சயம் நிறைவேறும் அவர் வாக்குகள் மாறாததே நிச்சயம் நிறைவேறும் குறித்த காலத்து தரிசனமும் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறதே காமாதித்தாலும் அதற்கு காத்தில் நிச்சயம் நிறைவேறும் காமாதித்தாலும் அதற்கு காத்தில் நிச்சயம் நிறைவேறும் நம்மை அழைத்தவர் உள்ளவர் எங்கும் நடத்திடுவார் அவர் வாக்குகள் மாறாததே நிச்சயம் நிறைவேறும் அவர் வாக்குகள் மாறாதது நிச்சயம் நிறைவேறும் ஆமென் பிரபு கம் தன்யவாத் கரங்கு உன்கா வாய்தா கவிவி நாட்டலேகா ஜரூர் சமய பர் பூரா ஹோகா உஸ்கே லே பாட் ஜோத்தே ரஹெங்கே உன்கே லே அத்புத் காம் ஜரூர் கரேகா आमीन। आई एम नए भाई लोगों के साथ और भी थोड़ा देर आराधना करेंगे और वचन के और हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भला परमेश्वर अपनी करुणा को सदा के लिए बनाए रखता है और अपने वचन को वो पूर्ति करता है जैसे यशाया 44:1-3 में लिखा हुआ है हे मेरे चुना हुआ दास याकूब हे मेरे इसराइल सुन मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर मैं धाराएं बहाऊंगा मैं तेरे वंश पर आत्मा और तेरे संतानों पर अपनी आशीष को मैं उंडेलूंगा। हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा है उसके महान वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें उसकी तारीफ करें मिलकर आनंद के साथ इस गीत को हम गाएं और प्रभु की आशीष को हम पाए। हालेलुया थैंक यू जीसस मैंने तुझे
यहोवा आदि से लेके अंतर तू में तेरा यहोवा है मेरे इज़राइल। समय में हरी भरी रहेगी वहाँ हरियाली हर समय में हरी भरी रहेगी हे मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है हे मेरे इज़राइल मैंने तुझे चुना है लेके अंत भूमि तेरा यहोवा आदि से लेके अंत भूमि तेरा यहोवा हे मेरे इज़राइल। धन्यवाद हो प्रभु आदि से लेके अंत तक प्रभु तू हमारा यहोवा तू हमारा परमेश्वर तू हमारा जीवनदाता प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारी आशा है परमेश्वर पर है वो प्यासी भूमि पर जल को बरसाएगा सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारे वंश पर हमारे संतान पर अपनी आत्मा को देने वाला परमेश्वर उसके पास आकर धन्यवाद की भेंट को हम लाए उपकारों को याद करके उसको धन्यवाद कहें उसके चेहरे को हम निहारें और ज्योति से भरपूर हो जाए। हालेलुया थैंक यू जीसस अब हालेलुया सिर्फ मांगे नहीं उसे लेने ही नहीं हम यहाँ पर आए हैं तेरे हाथ को नहीं तेरे चेहरे को ही हम निहारने आए हैं सिर्फ मांगने नहीं उसे लेने ही नहीं
यहाँ पर आए हैं, तेरे हाथ को नहीं तेरे चेहरे को ही हम निहार आए हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करने, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए। धन्यवाद की भेंट को प्रभु हम तेरे निकट लाते हैं, हम स्तुति को आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर, तेरे चेहरे को हम निहारते हैं, ज्योति से भरा हुआ ज्योति में परमेश्वर, तेरी कुवत और जला से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं, तेरी हुजूरी की जरूरत है हमें, और कुछ नहीं हम चाहते हैं, तेरी कुवत और जला से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं, तेरी हुजूरी की जरूरत है हमें, और कुछ नहीं हम चाहते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करेंगे, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे हम आए। तेरी कुवत और तेरी जलाल प्रभु, तेरी शामत तेरी महिमा से तो हमें भर दे, यही दुआ हम प्रभु तुझसे मांगते हैं, प्रभु तेरी हजूरी हमें बदल देती है, हमें नया बनाती है, हमें हमारे जीवन के अंदर भरपूरी को लाती है, इसकी हमें जरूरत है। प्रभु तू हमारे संग है, तूने कहा है संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो संसार को मैंने जीत लिया है। प्रभु तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाते हैं, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ओ हालेलुया। सच्चाई और आत्मा में आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, सच्चाई और आत्मा में आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, आराधना स्तुति आराधना, मसीहा यीशु की आराधना, आराधना स्तुति आराधना, मसीहा यीशु की आराधना। मसीह के संग रहना इतना अच्छा है, परमेश्वर के संग उसके नजदीक रहना कितना अच्छा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसी के साथ जीवन कितना आनंद होगा, यीशु मेरा निवास,
से भर कर आराधना आराधना स्तुति आराधना मसीहा यीशु की आराधना आराधना स्तुति आराधना मसीहा यीशु की आराधना आराधना मसीह के संग उसकी संगति में उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। पिता हम धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद जो हमें आशीषों के अंदर लेकर जाते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो तूने कहा है वो तो पूरा करता है, तू सच्चा खुदा है। प्रभु आज के दिन में हम तेरी महिमा गाते हैं, तेरे उपकारों को हम याद करते हैं, धन्यवाद की भेंट को प्रभु में चढ़ाते हैं। तू ही धन्यवाद के योग्य हो, आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य हो। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं, तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चा लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम वचन मनन करने जा रहे हैं पहले तिमुथी का किताब पहला अध्याय का 15 वचन, और भी कुछ वचनों को मनन करेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस तिमुथियुस को इस पत्र लिख रहा है, इसमें ऐसा बात बता रहे हैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। देखिए बाइबल में जितने भी वचन लिखे हुए हैं पवित्र आत्मा से लिखे हैं, सब बात सच्चाई बात यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। तो उसमें भी यहाँ पर कुछ खास बातों को बता रहे हैं, सच भी है हर प्रकार से मानने के योग्य है, सब लोगों के लिए ज़रूरी है, सब लोग इस बातों को मानना है, मानने का योग्य चीज़ है, मानने के लिए बहुत ज़रूरत चीज़ है। तो सच बात है, अंडरलाइन कर किया जा रहा है, उसको हाईलाइट करके बताया जा रहे हैं कुछ सच्चाई को। ऐसे तिमुथियुस की किताब में भी है, तीतुस की किताब में भी। आज हम ऐसे दो तीन चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं जिसके विषय में बोल रहे हैं, इस बात सच है और प्रकार से मानने योग्य है। तो मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो सबसे पहले परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर का सच्चाई है और परमेश्वर का प्रेम है, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है, सब लोगों के लिए मानने के लिए योग्य है, सब लोगों के लिए ज़रूरी है। पापियों को बचाने वाला यीशु मसीह का संदेश जो है एकदम सच्चाई बात है। परमेश्वर इस दुनिया में आया मनुष्य के शरीर में यीशु मसीह के नाम से, और लोगों को बचाने के लिए अपने जान बलिदान दिया। तो वही अनुग्रह का संदेश जो है, ये जो सुसमाचार है, हर बातों में सच है, विश्वास योग्य है, मानने के योग्य है, इस सच्चाई को बता रहे हैं। और इस संदेश के साथ एक लोगों की, अपने लोगों के एग्जाम्पल भी यहाँ जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग इस सुसमाचार को प्रचार किया, विश्वास किया, उनका जीवन में परमेश्वर का बदलावट, परमेश्वर का अद्भुत काम होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं तो पहले निंदा करने वाला, 12-13 वचन में कहते हैं, और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। अविश्वासी जब था, वो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, प्रभु के कलीसिया को सताते थे, बोलते बिन समझ बुझे, समझे बुझे, समझने बगैर आंखों बंद थे,
उसने ऐसे ऐसे काम किया। और लिख रहे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत आय से वह परमेश्वर के अनुग्रह उसका विश्वास को दिया, इसके अंदर प्रेम को दिया, बहुत आय से इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। बोलते हैं वही सच है, जगत में आया सच है, मैं बड़ा पापी को भी बचाया है, मुझ पर इस दया इसलिए हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। देखिए सबसे ये क्रिटिकल केस, सबसे ज़्यादा समस्या वाला केस है, जैसा कैंसर के बीमारी में बोल रहे हैं स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, एकदम लास्ट स्टेज बोलते हैं, ऐसा एक एकदम टॉप मोस्ट सिनर है, अपने बारे में बोलते सबसे बड़ा पापी था, मैं पापी था लेकिन अभी बच गए, अभी पापी नहीं है, अभी प्रभु का बच्चा बन गया है। बोलते मैं पहले पापी था, एकदम बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, लेकिन मुझ पर ये अनुग्रह इसलिए हुआ कि दूसरे के लिए भी एक उदाहरण है। मतलब ऐसे बड़े केस, अगर इतनी बड़ी बीमारी चंगा हो सकता, मेरा भी चंगा हो सकता। उस व्यक्ति को अगर यीशु मसीह ने स्वीकार किया, मुझे भी स्वीकार करेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन बच्चा लोग, परमेश्वर का प्रेम को कभी संदेह नहीं करना, उसको प्रेम को कभी भी तुच्छ नहीं गिनना, उसका प्रेम से कभी अलग नहीं होना। परमेश्वर का प्रेम है, हर बात में सच है, परमेश्वर का प्रेम है, हर बात में मानने योग्य है, उसका प्रेम में बढ़ना, उसका प्रेम में चलना है। हम गीत गाए हैं, उसका प्रेम वर्णन से अपार है, आसमान से ऊंचा है, समुद्र से गहरा है, ये सच बात, हर बात में सच है। ये यीशु मसीह दुनिया में पापियों को बचाने आए हैं। लोग दूसरे कोई धर्मों में हम देखते हैं भगवान आएगा नाश करेगा, ऐसे लोगों के मन में एक विचार होते हैं। ज़रूर हमको भी मालूम है परमेश्वर आने वाले हैं, नाश करने के लिए भी एक समय है, लेकिन अभी जो अनुग्रह का युग में यही संदेश है, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा पापी करके अपने आप को बता रहे हैं। बोलते मुझे किया तो दूसरे लोगों को भी बताएंगे, अपना सहनशीलता दिखाया। मतलब जब वो कर रहा था ऐसे ऐसे कामों को, फिर भी परमेश्वर उसको एक थप्पड़ मारता तो भी मर जाता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसके ऊपर धीरज धरा, उसको सहनशीलता से उसको समय पर बचा लिया है। एक गवाही में सुन रहा था, एक दूसरे धर्म वाले वो अमेरिका देश में गया था, उसके अंदर इतना धुन था कि वो सोच रहे थे अमेरिका में सब लोग ये लोग गलत धर्म को अपना रहे हैं, गलत व्यक्ति को यीशु मसीह को मान रहे हैं, ये लोग सब बांधे आंखें बंद है, इन लोगों को मुझे सिपकाना चाहिए, हमारा सही धर्म में लाना चाहिए करके धुन के साथ वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गया था, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए। उसकी गवाही में सुन रहा था, देखिए उस व्यक्ति के मन में इतना पूरा ब्रेन वॉश था, झूठा बातों को उसको बता बता कर, बाइबल के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में, प्रभु के बच्चों के विरोध में, गलत बातों को और परमेश्वर के बारे में भी जो जो सही चीज़ है पवित्र शास्त्र में लिखे उसके विरोध में, जो उनके धर्म की किताब में लिखा हुआ बातों के अनुसार, वो पूरा पूरा छोटेपन से उस बातों में पूरा पूरा उसके भरोसा 100% भरोसा में वो उसमें रहते थे। ऐसा व्यक्ति जब उस देश में गए, वहाँ पर भी ऐसा परिस्थिति परमेश्वर ने उसको बनाए, कुछ मसीह परिवार से उसको मुलाकात हुआ। पहले तो उस परिवार को अपने धर्म में लाने के लिए बहुत कोशिश करता था, उनके साथ साथ चर्च भी चलता था, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को अपने पास खींचने के लिए जाता था। तो उसके गवाही में सुन रहा था, देखिए वो कितने भी कठोर था, कितने भी उसके अंदर में वो अपना धर्म का ऊपर धुन था, लेकिन धीरे धीरे देखिए वो बता रहे हैं ऐसे लोगों को मैंने देखा, उनका प्रेम को देखा, उनका प्रेम का संदेश को मैंने सुना, मेरा दिल को यीशु मसीह बदल दिया। उस समय में जो माले में ट्विन टावर गिरा दिया गया था, उस समय में उन धर्म वालों के विरोध में भी कुछ बात हो रहे थे, तभी भी वो उस विश्वासी लोग उसको शरण दिया और उनको चर्च लेके गया। वो चर्च में गया तो वो सोच रहा था चर्च में हमारा धर्म के विरोध में कुछ बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी प्रचार किया गया,
पापियों को प्रभु जी प्रेम कर रहे हैं, हम भी अपना दुश्मनों को प्रेम करना चाहिए, ऐसा वहाँ के पासवान संदेश दे रहा था। वो संदेश सुनते हुए इसके मन घबरा गए, ये क्या संदेश अलग से लग रहा है, मन में कुछ अलग से अलग समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे देखिए वो कहता है, मैं उस देश में गया, 12 वर्ष रहा, काफ़ी जगह में लोगों के पास से मैं ट्राई किया उनको बदलने के लिए, लेकिन मैं उनको नहीं बदल पाया, वो लोगों के प्रेम जो है मुझे बदल दिया। आज वो कहता है, मैं मेरे देश में जाकर यीशु मसीह का मैं प्रचारक बन गया हूँ, भले अपना देशवासियों का जैसे कपड़ा वो पहनता है, तो मैं देखा तो देखे परमेश्वर का धीरज देखे और वो परिवार का धीरज देखे। 10 साल उस व्यक्ति के साथ वो लोग अपना समय को निकाला, वो लोग उनको प्रेम दिखाया, उनको सिखाने के लिए पूरा मेहनत किया, चर्च लेके गया, ये सब बातें हैं परमेश्वर का धीरज को दर्शाता है। तो माँ के गर्भ से चुन लिया, पौलुस बोलता है, माँ के गर्भ से परमेश्वर ने मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, ताकि मैं उस सुसमाचार को प्रकट किया, यीशु मसीह को मैं प्रचार करूं। देखिए वो व्यक्ति का भी बात ऐसे ही है, ऐसे जगह पर से ऐसे जगह पर गए हैं, जिस देश में वो रहता था उस देश में पूरा अपना धर्म के लिए धून से रहते थे, वो लोग ऐसा भी सोचते थे हमारा धर्म के लिए किसी को भी मारेंगे तो भी सीधा हमको स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा, ऐसे पूरा भरोसा से इतना पूरा निश्चय के साथ अपने धर्म के बारे में रहता था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर बदल सकता है, परमेश्वर का प्रेम है, सच है और एकदम ग्रहण योग्य है, एकदम विश्वास योग्य है। परमेश्वर के विश्वास योग्यता को कभी भी हम संदेह नहीं करना है, क्योंकि उसने वाचा बांधा है। बाइबल में प्रेम के बारे में काफ़ी सारे वचन है, उसमें खास एक वचन है यिर्मयाह का 31 अध्याय में, परमेश्वर कहते हैं, यहोवा यूँ कहता है, ये मैं जो तलवार जो ये जो प्रजा जो है तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ, मैं इसराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। और कहते यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। देखिए तलवार से वो लोग मर डालने वाले थे, वो लोग मर जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया और वो जंगल में अनुग्रह को प्रदान किया, दूर दर्शन से देख करके, मतलब हमको दूर से देखते हैं। वहीं पर पौलुस बोलते हैं, मुझे विश्वास योग्य गिनकर उसने सेवा मुझे दिया है, मतलब विश्वास योग्य था नहीं, लेकिन दूर से देख रहा है हमारे जीवन को, भविष्य को देख रहा है, अभी हम भले उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन दूर में देख रहे हैं, उसके ऊपर भरोसा रखता है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा सेवका ये करेगा। दूरदर्शन से पूर्व ज्ञान से वो देख रहे हैं कि अनंत प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम किया, सदा प्रेम रखता आया हूँ, अनंत प्रेम है, पूर्व से प्रेम है, माँ के गर्भ से है, दुनिया उत्पन्न होने से पहले करके पौलुस एफिसियों की किताब में लिख रहे हैं। परमेश्वर हमें चुन लिया है, हमें बुलाया है, मसीह में ऊपर बुलाया है। होशिया का किताब में बोल रहे हैं, सदा के लिए तुझे अपने स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूँगा, ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करूँगा और दया के साथ करूँगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, एक वाचा है, एक कवनंट है, ये सच्चाई के साथ की जाएगी। मैं यहोवा तुमको प्रकट करूँगा, तुम मुझे जान लेगी। देखिए ऐसा एक भटकने वाले स्त्री के समान इसराइल देश के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है, दूर भाग गए हैं, लोग तलवार से मारे गए हैं, क्योंकि प्रभु से दूर जा कर के शैतान के हाथ में मार का रहते। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर बोल रहे हैं, अपने स्त्री करने के लिए प्रतिज्ञा करूँगा, मतलब एक शादी का वाचा, जैसे परमेश्वर के एक वाचा अपने लोगों के साथ, कितने भी गिरा हुआ परिस्थिति में है उनको बोलते हैं, धर्म और न्याय से मैं तुझे प्रेम करूँगा, दया के साथ रहूँगा, मैं तुम्हें अपने आप को प्रकट करूँगा, तुम मुझे जानोगे। देखिए परमेश्वर को जानना है, उसके प्रेम को समझना चाहिए। परमेश्वर आज भी आपको बुला रहे हैं, होशिया का किताब में ऐसा परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया जा रहा है, यिर्मयाह का किताब में परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया जा रहा है अनंत काल के प्रेम से। और व्यवस्थावरण में बोलते हैं, यहोवा ने तुझको अपने बलवंत हाथ के द्वारा
दासत्व के घर से निकालकर फिरौन के हाथ से छुड़ा कर लेकर आया। यहोवा का यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को जो पूरी करना है करने के लिए जो उसने अपने पूर्वजों से किया था उसके अनुसार इब्राहिम के साथ वाचा बांधा था, उसके कारण वो लोगों के ऊपर प्रेम किया। ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत अच्छे थे, बड़ा संख्या वाले थे, छोटा संख्या वाले थे, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर अपना प्रेम इसलिए प्रकट किया, उनका वाचा है। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग हमारे लिए एक सच्चाई वाचा है, प्रतिज्ञा है, कवनंट है, यीशु मसीह के द्वारा हमारा साथ वाचा बांधा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर के पास हम लौट कर आना है। लिख रहे जो अपने पापों को छिपा के रखेगा उसके ऊपर वो सफल नहीं हो सकता है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13 में लिख रहे हैं अपने अपराधों को छिपा रखना नहीं है। देखिए अगर ये कोई बर्तन है क्रैक हो गया है व अंदर टूटा हुआ है, उसको क्रैक को सही करने बजाय ऊपर हम पेंट मार देंगे तो कैसे रहेगा, वो तो ज़रूर जल्दी से निकल ही जाएगा। वैसे अपराधों को छिपाना मतलब हमारा जो गलतियों को प्रभु के सामने खोल के बताना चाहिए, समझा हम उसको छिपाने से मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है। अगर कोई घाव है शरीर में, कहीं प्रॉब्लम है, उसको छिपा के ऐसे ही छोड़ देंगे तो सही नहीं है। उसको चंगाई करने के लिए डॉक्टर लोग उसको काटते हैं, कोई उसमें पट्टी बांधते हैं, उसको दवा देते हैं। वैसे आज परमेश्वर के सामने अपना आप को नम्र करें। उसका प्रेम एक सच्चाई बात है, हर बातों में ग्रहण योग्य, मानने के योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, ये कि उन्हें 1:9 में बोल रहे हैं वह हमारा पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का वचन सच है, उसका वायदा सच है, विश्वास योग्य धर्मी है। इसलिए आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग परमेश्वर का प्रेम को आप सच्चाई समझ, सच्चाई प्रेम है, विश्वास योग्य प्रेम है, और कभी भी हमें धोखा नहीं देने वाले हैं। और एक बातों को हम पढ़ सकते हैं, ग्रहण योग्य सच है करके 1 तीमोथी 4:8-10 तक वचन में हम देख रहे हैं। उसका खास 9 वचन में पढ़ता हूँ, और ये बात सच हर प्रकार के मानने के योग्य है। किस बातों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि देह के लाभ साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो यहाँ पर भी इसी बातों को लेकर आ रहे हैं, बोलते हैं ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। मेरे भाई बहन बच्चे लोग कभी कभी अब यीशु के पीछे चल रहे होंगे, यीशु को पूरा विश्वास करते हुए अनंत जीवन को पाए हैं, उसको प्रेम को पाए हैं, लेकिन आप उनके लिए भक्ति भाव की जीवन बिता रहे हो, रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, हर बार कलीसिया में लगातार जा रहे हो, हर बार उसके लिए दशांश दे रहे हो, जो जो सेवकाई भी करना आपसे जो भी हो सकता है आप करते आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में जो जो कुछ प्रॉब्लम को दिख रहा है, आप सोच रहे हैं ये कैसे करेंगे, मेरे लिए इस दुनिया में फ़ायदा नहीं है क्या, इतना भक्ति भाव में किया मुझे क्या फ़ायदा होगी, ऐसा कभी कभी आपके मन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सच बात है, हर प्रकार से मानने के योग्य है, मतलब हर लोगों के लिए मानने के योग्य है, सब लोग इसको मान सकते हैं, ऐसे एक सच्चाई है। भक्ति भाव के जीवन ज़रूर लाभदायक है, ये सच है, एक सच है, पूरा सच है। भक्ति भाव के जीवन, यीशु मसीह पर प्रेम करने वाला जीवन, विश्वास करने वाला जीवन हर तरह से लाभदायक है, इस दुनिया में भी लाभदायक है, आने वाला दुनिया में। कुछ लोग बोलेंगे इस दुनिया में आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो ही भविष्य में ही मिलेगा, ऐसा करके लोग वचन को गलत समझ लेते हैं। लेकिन इस वचन को हम पूरा सच्चाई करके अंडरलाइन करके पॉलस बोल रहे हैं, जो भक्ति भाव के जीवन जो है, विश्वासमय जीवन, इस समय के और आने वाला जीवन का भी प्रतिज्ञा उसी के लिए है। प्रतिज्ञा जो दिए गए, देखिए जो वाचा जो बांधे हैं, हमको मालूम है हमारा साथ जो वाचा है, यीशु मसीह का साथ जो वाचा है, वो इब्राहिम को दिया गया था,
इब्राहिम को सारे आशीष दिया गया, उस इब्राहिम के संतान के रूप में हमको गिना जा रहा है। तो इस समय के और आने वाला जीवन का भी प्रतिज्ञा हमें ज़रूर मिलेगा, ज़रूर हमें पूछने में सिर बनेगा, नीचे ने ऊपर लेकर आएगा। ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। भक्ति भाव की जीवन हर प्रकार से लाभदायक रहेगा। कभी भी ये नहीं सोचना है हम लोग तो पीछे चले गए हैं, वो लोग बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, वो लोग अपना दुनिया में चतुराई से अपने होशियारी से अपना इधर उधर उनके जो कॉन्टैक्ट से वो लोग ऊपर चले गए हैं, लेकिन हम तो इधर भुगत रहे हैं, हम तो बोझ को उठा के चल रहे हैं, हम तो कष्ट भुगत रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। ऐसा करके जो सोचने वाले मेरे भाई बहन बच्चे लोग, कभी भी इस परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं होंगे, मसीह में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होंगे, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं होंगे। आप सुबह उठकर रोज आप प्रार्थना किए, दूसरों के लिए प्रार्थना किए, देश देश के लिए प्रार्थना किए, दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना किए, कुछ भी व्यर्थ नहीं होने वाला है। इस युग में भी आने वाले युग में भी फायदा ही फायदा है, ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। इसलिए हम देख रहे हैं पौलुस जैसे लोग हैं, बोलते मैं ऐसा दौड़ता हूँ बेठिकाना नहीं, निश्चय के साथ दौड़ता हूँ, संयम के साथ दौड़ता हूँ, निशानी का ओर दौड़ता हूँ। मसीह में मुझे ऊपर बुलाया है, मुझे फ़ायदा मन है, मुझे उस फायदा को पाना है। इसलिए भक्ति भाव की साधना जो है, बोलते हैं देह की साधना से कम लाभ होता है। कभी कभी लोग खाने के विषय में एक्सरसाइज के बारे में कितना ध्यान देंगे, इतना कैलोरीज खा लिया मैंने, ये खा लिया। खास कोई विदेशी में लोग ऐसे ही लोग रहते हैं, पूरा उसी में वो लोग रहते हैं। ज़रूर हम बॉडी को फिट रखना चाहिए, ज़रूर तंदुरुस्त जीवन बिताना चाहिए, लेकिन उससे भी लाभ इस दुनिया तक ही ख़त्म। लेकिन ये जो लाभ है, ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, लेकिन कम लाभ है। ये जो है भक्ति भाव की जीवन है, प्रभु पर विश्वास करने वाला जीवन है, बहुत ही लाभदायक है। कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल के लिए सोचेंगे, पढ़ाई स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये मीडियम में पढ़ना चाहिए, ये बोर्ड में पढ़ना चाहिए, उसके लिए बहुत दूर में भी छोटे बच्चों को भी रिस्क लेके भेजेंगे, इतना वो लोग करेंगे। लेकिन चर्चे के लिए सोचेंगे, चर्चा अरे बहुत दूर है करके जाने बगैर रह जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे हम टीवी में ऑनलाइन में देख रहे हैं करके। कभी कभी ये भी आजकल लोगों के लिए एक बहाना बन जाते हैं। देखिए ऑनलाइन में हम किए थे ज़रूर, जब हम मीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हम अभी हम मुलाकात हो रहे हैं, मीटिंग चल रहा है, ज़रूर हम उसमें अटेंड करना चाहिए। प्रभु के लिए साधना मतलब आत्मिक साधना, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज क्या होते हैं, एक्सरसाइज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इवन शरीर के एक्सरसाइज भी ऐसे होते हो, लगातार करते रहना पड़ता है, ऐसा चीज़ है करते रहना है। जैसे दौड़ के बारे में हम बाइबल स्टडी में देखें, दौड़ ऐसी चीज़ है चालू रहना पड़ता है, निशानी का ओर दौड़ रहा है, संयम के साथ दौड़ रहा है। बोलते हवा में मैं पिटता नहीं, ऐसे मुक्कों से ऐसे मारता नहीं, ऐसे बिना ठिकाने नहीं मुकुट के लिए मैं दौड़ता हूँ, हवा में पिटते हुए नहीं, लेकिन निशाने का ओर दौड़ता हूँ, सही दिशा में निश्चय के साथ दौड़ता हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज है, उसमें ट्रेनिंग होते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ों को छोड़कर वो लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को सही फिट करने के लिए। वैसे आत्मिक जीवन को भी हमेशा फिट रखने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं, वो बहुत लाभदायक है। एक दिन में नहीं आएगा, मसीह जीवन में उन्नति है। अभी आप डेली डिवोशन में देखोगे, एक तीमतियों चार में आप सुनेंगे उसमें कैसे लिखा है पौलुस, कैसे कैसे आप ऐसे प्रगति होना चाहिए, आप इसमें लगे रहो। एक तीमतियों चार में बोल रहे हैं उसी को सोचते रहो, उसी में बने रहो, और हर बार पढ़ने में, उपदेश देने में, लोगों को सिखाने में धीरज धरो, लगातार बने रहो, और अपने बारे में अपने संदेश के बारे में चौकसी करो, ताकि अपनों को भी दूसरों को भी बचा पाएंगे। ऐसे जो जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये
एकदम गंभीर रीति से बता रहे हैं। मसीह जीवन जो है एकदम एक सीरियस मामला है, ऐसा नहीं मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा, कभी कभी ऐसा समय मिलेगा मैं एक्सरसाइज करूंगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए समय निकालना पड़ता है। आत्मिक जीवन भी ऐसे है, फुर्सत में करूंगा सोचने वाला कभी नहीं करते हैं। एक डिसिप्लिन है इसमें, एक्सरसाइज में एक डिसिप्लिन होते हैं, टाइम उसके लिए अलाट करना पड़ता है। आत्मिक जीवन को आप प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, उसका महत्व को समझेंगे, ज़रूर आप उसके लिए समय निकालेंगे। कुछ लोग दुनियादारी बातों में भटकते हुए अपना मुकुट को खोते हैं, लेकिन पौलुस बोलता है मुझे मुकुट को पाना है, मुझे मुकुट को खोना नहीं। जब प्रभु जी आएंगे मैं इस दौड़ में दिखाई देना है, उनके अंदर दिखाई देना, मसीह में मुझे दिखाई देना, मसीह में प्रकट होना है, मसीह में मेरा जीवन है। तो एक साधना है, देह की साधना से कम लाभ होता है, आत्मिक साधना है प्रेयर लाइफ। ऐसा एक दिन से प्रार्थना हम नहीं सीख सकते, प्रार्थना भी अलग अलग तरीका का प्रार्थना। एक तिमोथी हम लोग दो में मनन के डेली डिवोशन में प्रार्थना निवेदन विनती धन्यवाद लोगों के लिए किया करें, और अधिकारी लोगों के लिए करना है, यह भी एक एक्सरसाइज है, यह भी एक डायरी रखें नियमित रूप से करें, यह भी एक प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज होते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। वचन पढ़ने के लिए भी सुनना है, जो दूसरों को सिखाना चाहते हैं वो लोग को भी वचन सुनते रहना है, तभी वो लोग दे पाएंगे। मैं भी सुनता हूँ कुछ लोगों की, अच्छे संदेश देने वाले, अच्छे जिनकी गवाही है, अनुभव है, कुछ हासिल किए, वो लोग प्रभु के लिए कुछ काम किए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं नया नया लोग ऐसे तेरे दे रहे, ऐसा नहीं। जो लोग सचमुच में इस बातों को अपना जीवन से अनुभव से स्थापित किए, ऐसे लोगों को सुनो और अपने आप को मसीह में दृढ़ मजबूत बनाओ, विश्वास में मजबूत बनाओ, प्रेम में आगे बढ़ो, पवित्रता में आगे बढ़ो। हर बात एक दिन में नहीं आएगा, तीमोथियुस को पौल बता रहे हैं, तुम इन बातों को छोड़ दो, पैसे के लालच, जवानीपन के अभिलाष, मूर्ति पूजा छोड़ दो, जीवन में भक्ति भाव के लिए, विश्वास के लिए, प्रेम के लिए, संयम के लिए, ऐसा करके एक तीमोथियुस 6 में बोल रहे हैं, उसको पीछे भागो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ करके एक मल्लयुद्ध के समान बता रहे हैं। मल्लयुद्ध करने वाले कितने एक्सरसाइज करना पड़ता है, हर बार अपना शरीर को फिट रखना पड़ता है। आज हमें एक युद्ध है शैतान की सेना के विरोध में, कभी भी हमारा आत्मिक मनुष्य को कमज़ोर होने नहीं देना है। इसके लिए बराबर आत्मिक खुराक ज़रूरी है, आत्मिक एक्सरसाइज ज़रूरी है। मसीह जीवन इसी में चलते रहेगा, ये बात सच है। हर बात में, हर विषय में, हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार से मानने के योग्य है। मसीह यीशु पापियों को बचाने आए हैं, और भक्ति भाव के जीवन इस युग में भी, आने वाले युग में भी बहुत ही फायदेमंद लाभदायक है। इसलिए बोल रहे हैं 1 तिमोथियुस 4:10 में, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का और जिन निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। बोलते हैं सब मनुष्य का उद्धार करता है, खास करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हमारा उद्धार करता के ऊपर उनका भरोसा है, उनका आशा है, उस आशा को रखते हुए परिश्रम कर रहा है। मसीह में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, उसका पूरा पूरा भरोसा है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उनके लिए जो करने वाले एक एक चीज़ों को याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा, उनके लिए किया हुआ एक एक बात याद रहेगा। आज मेरे भाई बहन, हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी प्रभु से दूर भागना नहीं है, कभी भी एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, कभी भी ऐसे जो डिसिप्लिन लाइफ है इसमें हम थोड़ा से भी ढीलापन को नहीं है, क्योंकि फ़ायदा मिलने वाले हैं। अभी यीशु प्रकट होने वाले हैं, हमारा इनाम मिलने जा रहा है। इस समय में जा करके कई मूर्खता में हम न फंस जाएँ। तो
इसलिए ये भी बोल रहे हैं, ये कुरंदी नौ में मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ। बोलते हैं पूरा एक्सरसाइज में शरीर पूरा उनकी बात मान कर चलना होगा। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप देखे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे, जिमनास्टिक कर रहे होंगे, हाई जंप कर रहे होंगे, स्विमिंग कर रहे होंगे, उनके शरीर उनकी बातों को मानने के लिए उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। वैसे ये भी अपने शरीर को ट्रेनिंग दे रहा है, इनके बातों को मानना है, प्रार्थना करने के लिए सहयोग देना है, सेवकाई जाने के लिए शरीर सहयोग देना है, प्रभु के लिए बात को बोलने के लिए सहयोग देना है, कभी भी शरीर एक रुकावट नहीं बनना है। तो यही जो है बात है शारीरिक साधना से बढ़कर आत्मिक साधना हम करेंगे, देह को हम वश में ला पाएंगे, परमेश्वर के इस सच्चाई को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तीसरा एक बात है यहाँ पर बोल रहे हैं, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी है। ये तीसरे बात को बता रहे हैं तीमोथियुस की किताब में, एक बात सच है, दूसरे तीमोथियुस में दूसरा अध्याय में बता रहे हैं 11 वचन में, ये बात सच है, ये बात सच है और ये हर व्यक्ति के लिए मानने के योग्य ऐसा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सब लोग इसमें शामिल नहीं हैं, इसमें केवल विश्वासी लोगों के लिए ये शामिल है। विश्वासी लोग प्रभु के लिए है, वो लोग उसके लिए जीवन दिए हैं, उनके लिए यीशु मसीह अपना जान कुर्बान दिए हैं, विश्वासी लोग भी अपना जीवन को प्रभु जी के लिए अर्पण किए हैं, उनके लिए एक लागू है, उनके लिए सच है, यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी है। हम उसके साथ मर गए हैं तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है इफ़ वी बी डेड विद हिम वी शैल लिव विद हिम, यानी बोल रहा हम सब उसके साथ मरेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, अगर उसके साथ मरे हुए हैं वही मरे हुए दशा में हमें रहना चाहिए। हम उसके साथ मर गया, मसीह के साथ मैं मर गया, पापों के लिए मर गया, दुनिया के लिए मर गया, नियम शास्त्र के लिए मर गया, अपना रीति रिवाज के लिए मर गया, खुद के लिए मर गया, दुनिया के लिए मर गया, मरा हुआ स्थिति में हम अपना आपको हमेशा समझना चाहिए। ये बात सच है, अगर हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी है, उसके साथ जिएंगे। योहन्ना में 14 में यीशु जी बोल रहे हैं मैं जीऊँगा इसलिए तुम भी जीवोगे, उसका जीवन के साथ हम जिएंगे, उसको मृत्यु के साथ हम मर गए हैं उसके जीवन के साथ हम जिएंगे। ये बहुत बड़ी रहस्य है, बहुत बड़ी सच्चाई की बातें है। बपतिस्मा के द्वारा हम गाड़े गए हैं और उसके साथ हम जी उठ कर नया जीवन को पाए हैं। लिख रहे हैं 12 वचन में, दूसरा तीमोथियुस 2:12, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी जा रहा है, लिख रहा है उसके साथ हम धीरज से सहते रहेंगे, उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। अगर हम इनकार कर देंगे वो भी इनकार करना पड़ेगा उनको, लेकिन कह रहे हैं अगर हम अविश्वासी भी बन जाते वो भी फिर भी वो तो विश्वास योग्य बना रहता है, कभी भी अपने आप को इनकार नहीं करेगा, उनके वचन को इनकार नहीं करेगा। उन्होंने जो वचन बोला मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, वो वचन को बारे में झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा नहीं बोलेगा, ज़रूर हमेशा हमारा साथ रहेगा, साथ देगा, हमको नहीं छोड़ेगा, हमको कभी धोखा नहीं देगा, हमको कभी भी पकड़वाएगा नहीं, हमको उसके साथ राज्य करने देगा। हम उसके साथ मरे हुए हैं, उसके साथ हम जी रहे हैं, उसके साथ हम जीते रहे हैं, जैसा मरा हुआ दुनिया के लिए, पाप के लिए, शैतानी के लिए, रीति रिवाज के लिए उसमें मरे हुए जैसे हम पड़े रहें, उसको कभी भी हम टच ना करें, वापस ना लेकर आएँ, जिएंगे मसीह के लिए, मरेंगे भी मसीह के लिए। तो ये चीज़ है, बात सच बात है, हर विश्वासी के लिए ग्रहण योग्य, हर विश्वासी के लिए लागू है, उसके साथ मरे हुए हैं उसके साथ हम जिएंगे, उनका विश्वास योग्यता से हम जिएंगे, हमारा विश्वास योग्यता के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ज़रूर हम विश्वास योग्य रहना चाहिए, ज़रूर हम निर्णय लेना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा भरोसा है प्रभु जी का, प्रेम है
विश्वास योग्यता है, इस लविंग काइंडनेस, इस फेथफुल लव, उनका विश्वास योग्य प्रेम है, उसके द्वारा हम पूरा पूरा अपने आप को समर्पण करना चाहिए। उसके साथ समर्पित जीवन हमें ज़रूरी है। ये प्रभु का दास का वचन मैं सुन रहा था, वो शात्रक मेशक अबेदनगो के बारे में बता रहे हैं। देखिए, वो लोगों को परमेश्वर आग की भट्टी में से छुड़ाया, ये कहानी को हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम आनंद होते हैं। लेकिन वो पास्टर जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए वो लोगों को प्रभु ज़रूर छुड़ाया, इसके पीछे की कहानी को भी हम समझना चाहिए। वो जवान लोग थे, अपना निज देश में रहते थे, जब उन निज देश को पकड़ने के लिए दुश्मन लोग आए थे, बाबिलोन के लोग, उस समय में ज़रूर वो लोग प्रार्थना किए होंगे, प्रभु जी हम लोगों को दुश्मनों के हाथ में जाने मत दीजिए। लेकिन देखे आखिरकार क्या हो गया, दुश्मन लोग चढ़ाई करके उनको बंधन में, बंधुआ में बना कर लेके चला गए, वो लोग बाबिलोन देश में चला गए। वहाँ जाने के बाद भी ये लोग प्रार्थना किया होगा, प्रभु हमको शांति से रहने दीजिए, लेकिन उनको चुनकर राजमहल में लेके गए हैं, उनके बिना पूछे उनके जो शरीर के अंग को भी काट दिया गया, जो वो वहाँ पर खोजा लोग कहते हैं वैसे ही लोगों बना दिए उन लोगों को, दानियल को भी, शाहरख मेशक अबेदनगो को भी। फिर भी देखिए ये लोग लगातार प्रभु पर भरोसा कर रहे हैं, लगातार प्रभु के बातों को मान रहे हैं, वहाँ के जो मूर्ति पूजक आइटम को खाने के लिए नम्रता से मना कर रहे हैं। बात में देखे प्रभु जी का अद्भुत काम उनके जीवन में एक परिस्थिति में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, फिर भी लगातार विश्वास करते जा रहे हैं। जब आग की भट्टी की बात आ गई, राजा ने बोला मूर्ति को तुम नमस्कार करना पड़ेगा, ये लोग तभी भी मना कर दे रहे हैं। प्रभु के लिए समर्पित जीवन ये लोग पूरा अपना जीवन में लगातार बना के रखे हैं, उसके साथ जी रहे हैं, मसीह के साइड में रह रहे हैं। भले लग रहा है मसीह मेरे लिए किया नहीं करके वो लोग नाराज हो सकते थे, लेकिन देखिए आखिर में परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम किया है। हमारा परमेश्वर के लिए हम पूरा पूरा समर्पित कर सकते हैं, वो समर्पण योग्य है, विश्वास योग्य है, हमारा बलिदान के लिए भी योग्य है। उस प्रभु पर हम भरोसा करना चाहिए। उनके लिए परमेश्वर अपना अद्भुत काम को प्रकट किया। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में प्रभु के लिए कष्ट उठाया। यीशु मसीह अपने चेलों के बारे में बोल रहे हैं, परंतु तुम वह जो है मेरे परीक्षाओं में मेरे साथ लगातार मेरे साथ रहे। देखिए भले उनके अंदर थोड़ा बहुत कमियां थी, लास्ट टाइम में बहुत संघर्ष में वो लोग भाग भी गए थे, लेकिन प्रभु जी उनको बता रहे हैं तुम लोग मेरे परीक्षा में मेरे साथ रहें, इसलिए मेरे जैसे जैसे पिता ने मेरे को राज्य ठहराया है वैसे तुम्हारे लिए भी मैं राज्य ठहराता हूँ। तो मेरे साथ राज्य सिंहासन में बैठ करके 12 कोतरों के ऊपर तुम न्याय करोगे। देखिए परमेश्वर हमें कभी भी हमें पकड़वाएगा नहीं, हमें छोड़ेगा नहीं, हमें अकेला नहीं छोड़ देगा, हमको ज़रूर बचाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि शात्रक मेशक अबेदनगो को उसने बचाया, क्योंकि वो लोग उनके लिए मरने के लिए भी तैयार थे। वो लोग बोलते थे अगर वो नहीं छुड़ाएंगे तो भी हम आपके बातों को नहीं मानेंगे, हम हमेशा प्रभु के साइड में रहना है, प्रभु के पक्ष में रहना है, प्रभु हमारे पक्ष में रहेगा। कुछ समय में हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों प्रभु ने नहीं किया, पहले ज़माने में नहीं किया होगा, लेकिन आज विश्वास करो, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड करके सोच करके करेगा नहीं करेगा, ऐसा दो विचार में नहीं रहना है। हमको मालूम नहीं सॉवरेनिटी ऑफ गॉड कब काम करेगा कब नहीं करेगा, हमको पता नहीं। हर चीज़ में हर परिस्थिति में हमें विश्वास को इस्तेमाल करना हमारा जिम्मेदारी है। हम उस स्वर्ग राज्य में जाएंगे, हमको पता चलेगा क्यों कोई चीज़ के लिए जवाब नहीं आया है। लेकिन परमेश्वर के विश्वास योग्यता है। यीशु ने बार बार कहा तो मेरे बारे में कबूल करो, गवाही दो, साक्षी दो, मैं भी मेरे पिता के सामने तुम्हारे गवाही में दूंगा, मैं तुझे तारीफ करूंगा, जो मेरे बारे में आज शर्मिंदा होंगे उसके बारे में मैं भी मेरे पिता के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। उसके साथ दुख उठाने वाले उसके साथ ज़रूर राज्य करेंगे। तुम लोग मेरे परीक्षा में मेरे साथ रहा, लगातार रहा, मैं तेरे लिए सिंहासन में बैठाने के लिए, राज्य करने के लिए अधिकार देता हूँ करके यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। पुराने नियम में जब देख रहे हैं लोग मूर्ति पूजा में चले गए थे, मूसा जब ऊपर से नीचे आ रहे थे लोग नाच रहे थे, अपना कपड़ा भी उतार कर मूर्ति के सामने गंदा काम कर रहे थे। तब मूसा ने लोगों को पूछा भाई कौन है
मसीह के पक्ष में, मेरे पक्ष में, परमेश्वर के साइड में कौन रहता है? लेवी गोत्र का लोग जाकर के उनके साइड में रह गया है। हमेशा देखिए माइनॉरिटी लोग है, छोटा संख्या में लोग प्रभु के पक्ष में रहते हैं। भले छोटा संख्या है लेकिन हम उसमें दिखाई देना चाहिए। 12 लोग गए थे जासूसी करने के लिए, उसमें 2 लोग प्रभु के तरफ में गवाही दिए, विश्वास की गवाही दिए, यहोशा और कालेब। वो लोगों को दूसरे लोग पथराव करने के लिए सोच रहे थे लेकिन वो लोग प्रभु के लिए साक्षी देने के लिए हिम्मत से रह गया, उस संघर्ष को किया वो लोग। आखिर में उनको परमेश्वर विजय दिलाया, बाकी 10 लोग मर गए हैं। परमेश्वर के साइड में हमें रहेंगे, मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, जो परमेश्वर के साइड में रहना है। इसलिए कहते हैं अगर हम उसके साथ मरे हुए हैं, उसके साथ जिएंगे, उसके साथ सहते रहेंगे, हमारे लिए कितना सहा। पौलुस भी बोलते हैं मैं प्रभु के लिए सब कुछ सहन लिया, सारे हानि उठा ली। फिलिप्पियों को 3 में हम पढ़े थे उसको साथ में दुख उठाने का सामर्थ्य का और भी मुझे जानना है। भले काफ़ी सारे हानि उसने उठाया, कष्ट उठाया, नुकसान भी हुआ, उसका बड़ी जमींदार है, बहुत मिलियनर होगा उस जमाने के, बड़ा धनी परिवार के व्यक्ति है और धर्म के अपने समाज में बड़ा नाम था उसका, फरीसी था, लेकिन सबका हानि उठाए मसीह के लिए, क्योंकि उसको मालूम है मुझे मसीह को पाना है। मसीह को पाने से पूरा लाभदायक है, उसके साथ राज्य भी करेंगे। वही निश्चय के साथ उसने प्रभु के साथ दुख उठाने के लिए सहभागी समझा है। हम इतिहास में पढ़ते हैं पहले सदी में जब भारत चले, लोग अपने दौड़पुरी करके चले, उसके बाद जो है और भी कितनी सारी परेशानी हुई। पॉलीकार्प करके प्रभु के दास को जिंदा जलाया गया, उसको बोला गया तुम इनकार कर दो, इतना उम्र में आपके ऊपर हम दया दिखाना चाहते हैं। उसने ये बोला इतना उम्र तक मेरा प्रभु मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया, कभी भी मुझे इनकार नहीं किया, इस उम्र में उस प्रभु को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ करके उसको मारा गया, उसको जिंदा जलाया गया। तो भी आनंद से प्रभु को धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु आपके लिए दुख उठाने के लिए मुझे भाग्य दिया करके प्रभु के पास वो चला गया है। आज उसके साथ हम दुख उठाएंगे, उसके साथ सहन करेंगे, लोगों के सामने जो दुष्ट लोग हैं उसके सामने भी प्रभु के साइड में हम रहना है। कभी भी दुनिया के पक्ष में कभी नहीं जाएं, ज़रूर हम उसके साथ दुख उठाने वाले हैं, उसके साथ राज्य भी करेंगे। यही बात है, ग्रहण योग्य बात है। ये 3 बातों को आज आपके सामने फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले सच बात है, पूरा सच है, मसीह यीशु हमको बचाने आए हैं, पापियों को बचाने आए हैं, हमको भी बचाए हैं, विश्वासियों के लिए उद्धारकर्ता बन गए हैं। उनके लिए उद्धारकर्ता बनना चाहते हैं लेकिन जब वो विश्वास करेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनका विश्वास योग्यता है। हमको बचाया प्रभु जी, उन लोगों को भी बचा सकते हैं। हम जैसे पापियों को बुलाया, जैसे मेरा गवाही मैं दे सकता हूँ, मैं यीशु मसीह से दूर था, 17 वर्ष में यीशु मसीह को पाया। जब मैं विश्वासी भी बन गए तो भी मेरे जीवन में कितना सारा संकट था, मुश्किल था, कमजोरियाँ थे, कभी भी मैं सोच भी नहीं सकते ऐसा मैं सेवकाई करने वाला हूँ, कोई नहीं सोचा होगा ऐसे मैं व्यक्ति था। ऐसा लोग बोलते हैं तुम्हारा विजन क्या, दर्शन क्या है, मुझे कुछ नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, सेवकाई क्या होते, पास्टर क्या होते, हमारा परिवार में कोई पास्टर था नहीं, दादाओं के घर में कहीं नहीं था, कोई रिश्ता था, दूर के रिश्ता में भी कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर का कृपा देके ऐसा व्यक्ति को भी प्रभु चुन लिया। आज भी मैं घमंड नहीं कर सकता, अपना कुछ नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है, जो हूँ सो हूँ प्रभु के अनुग्रह से है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ, यही मैं बता सकता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो परमेश्वर का प्रेम विश्वास योग्य सच है और प्रभु के लिए आत्मिक जीवन के लिए उन्नति के लिए मेहनत करो, कलीसिया में जाओ, सेवा में जुड़ जाओ, दशांश दो लगातार करते रहो, एक्सरसाइज करो, इस दुनिया के लिए, आने वाले दुनिया के लिए फ़ायदा मने। तीसरा चीज़ है उसके साथ मरे हुए लोग, हम लोग दुनिया के लिए मरे हुए हैं, पाप के लिए मरे हुए हैं, उसके साथ हम ज़रूर जिएंगे, उसके साथ दुख उठाने लगे, हम सब उसके साथ राज्य करेंगे।
स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये जो वचन हम सुने हैं इसके अनुसार हम आपका प्रेम का विश्वास करते हैं प्रभु जी, आत्मिक साधना को विश्वास करते हैं प्रभु जी, बहुत लाभदायक करके मान लेते हैं प्रभु जी। आपके साथ दुख उठाने वाले ज़रूर राज्य करेंगे, इसको भी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। ये बात सबके मन में अच्छी तरह बैठ जाएँ, तो अकेले आपके लिए दौड़ते रहें, आत्मिक साधना करते रहें, आपके लिए दुख उठाएँ प्रभु जी। आपका प्रेम को कभी संदेह ना करें, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन। देखने के लिए धन्यवाद। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे, आमेन।